बिल्कुल दैट इज व्हाई वी कम ऑन रोड्स एंड वी रिक्वेस्ट टू पब्लिक साइन करो और हमारा मैसेज फैलाओ अपनी सेफ्टी के लिए वादा ले रही है आप खुद भी फॉलो करेंगे और ये बात तो सेव करते करते आपको मेरे ख्याल से सर आपने सीट पहले करनी है बहुत अच्छी बात है हम यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए ठीक है सर इन फ्यूचर जब भी आप ड्राइव करोगे तो जो भी ट्रैफिक रूल है उसको आप बहुत अच्छी बात है बोलना खुद ही बोलो कोई लोग बोलते हैं ना हमारा क्यों होता है हर मिनट में इंडिया में एक इंसान ट्रैफिक केस नहीं लाना है किसी को ऐसा कि ये रोड सेफ्टी मंथ जो है अंडर द गाइडेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इंडियन हमारी जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर हो रहा है रोड सेफ्टी मंथ अर्लियर इट यूज्ड टू बी रोड सेफ्टी वीक इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर किसी वॉलेटर को हम बुक करें क्यों अगर हम श्रीनगर शहर में देखेंगे वॉयलेशन बहुत ज़्यादा है तो ये जो सिग्नेचर कंपेन है ये पार्ट ऑफ दैट अवेयरनेस मंथ है ये शुरू हुई थी कश्मीर यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी और एसएसपी ट्रैफिक सिटी श्रीनगर ने इसकी शुरू श्री जावेद अहमद कोल साहब ने इसकी शुरुआत की थी कश्मीर यूनिवर्सिटी से तो ये एक हफ्ते का प्रोग्राम था अभी चल रहा है लास्ट वीक ये बख्शी स्टेडियम में था उससे पहले पोलियो में था उससे पहले कश्मीर यूनिवर्सिटी में था आज यहाँ था मकसद यही है कि हम लोगों को यहाँ उतार के रिक्वेस्ट करते हैं कि हम हर इंसान तक पहुँचना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है आज हम आपको चालान इसलिए नहीं कर रहे हैं आप हमारे मैसेंजर बनिए ट्रैफिक रूल्स की जो के रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाए समाज में क्योंकि हर चार मिनट में इंडिया में एक इंसान ट्रैफिक एक्सीडेंट में मर जाता है क्यों ना हम मिलके कोशिश करें कि जो लोग मर जाते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में उनकी जानें बच जाए शायद ये फैटलिटी रेट कम हो जाए अगर हम इस अवेयरनेस को पॉजिटिव ले लें फैलाए पॉजिटिव सेंस में तो श्रीनगर के रहने वालों से यही हमारी गुजारिश है कि हम इसलिए रोड पर बार बार आ रहे हैं रोड सेफ्टी मंथ के दौरान कि हर इंसान तक ये बात पहुँचाइए कि जो रूल्स हम फॉलो करते हैं इससे जान की सेफ्टी बढ़ जाती है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करोगे आपके अपने फ़ायदे के लिए है आपकी लाइफ की सिक्योरिटी बढ़ जाती है सीट बेल्ट लगा होगा तो एक्सीडेंट के टाइम पे आपका एयरबैग खुलेगा या आपकी जो फैटलिटी के चांसेस कम हो जाते हैं हाँ बहुत सारे हज़ारों के हिसाब से लोगों तक हमने बात पहुँचाई है बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ एसएसपी ट्रैफिक श्री जावेद अहमद कोल साहब की लीडरशिप में हमने कोई एक महीने से लगातार हम प्रोग्राम डिफरेंट तरीके से प्रोग्राम करते जा रहे हैं अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत लोगों तक बात पहुंच भी पाई है हाँ श्योरली अगर एक्सीडेंट से एब्रप्टली तो इतने रिजल्ट हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे लेकिन हमें लगता है कि बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं हम आपको प्रैक्टिकल दिखा देते हैं 10% लोग रोड पर ऐसे मिलते हैं जिन्होंने कभी भी सीट बेल्ट नहीं लगाया होता और हमें देख के जब पहनने की कोशिश करते हैं उनको पता नहीं चलता है सीट बेल्ट कैसे लगाना है कहाँ से लगाना है बहुत सारे लोग ऐसे एजुकेटेड भी होते हैं और इग्नोरेंट हैं कि उनको पता ही नहीं है करना है कुछ लोग अल्टरकेशन भी करते हैं एतराज़ भी करते हैं जो होते हैं कुछ उस किस्म के लेकिन मेजर सोसाइटी का जो मेजर सेक्शन है वो अप्रिशिएट करता है और हमें मदद करता है इस बात को आगे फैलाने में गुजारिश करूँगा आप लोगों की मदद चाहूँगा कि पब्लिक तक बात पहुँचाइए बहुत कम लोगों को इस चीज़ का पता है कि जो को ड्राइवर की सीट पे बैठा होता है उसके लिए भी कंपलसरी है सीट बेल्ट जो पीछे कार के पीछे वाली सीट पे बैठे होते हैं उनके लिए भी कंपलसरी है सीट बेल्ट अब हम शुरुआत करते हैं ड्राइविंग सीट से क्योंकि यूजुअली एक बंदा गाड़ी में बैठा होता है तो वो ही नहीं लगाता है अगर ड्राइवर खुद लगाए तो बाकियों को भी सजेस्ट करें कि सब लोग सीट बेल्ट पहन के सफ़र करें कम स्पीड में भी हादसा हो सकता है ये भी कहते हैं कि हमारी स्पीड कम होती है शहर में लेकिन दूसरी गाड़ी जो कोई और गाड़ी आपको आके अगर आपको स्ट्राइक करती है
स्मैश कर दिए, तो उससे आपकी स्पीड जो है कम भी होगी, तब भी आपको नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा सवाल किया आपने, गाड़ी प्राइवेट व्हीकल्स में या छोटी लाइट मोटर व्हीकल्स में जितने लोग बैठते हैं उन सब के लिए सीट बेल्ट कंपल्सरी है सीट बेल्ट, उस पर भी चालान हो जाता है। और अक्सर अवकात जब हम चालान करते हैं तो लोग हैरान रह जाते हैं, जनाब मुझे भी लगाना था सीट बेल्ट। तो हम ये गुजारिश करते हैं आपसे भी, ये बात फैलाइए, पहुँचाइए पब्लिक, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है हर एक घर तक अपनी आवाज़ पहुंचाना, आपके ज़रिए पहुंचाना चाहते हैं कि सीट बेल्ट जो है सिर्फ ड्राइवर के लिए नहीं, को ड्राइवर के लिए, बाकी पैसेंजर्स के लिए भी कंपलसरी है। यही वजह है, वजह यही है कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है 24 घंटे हर एक स्पॉट पे ओमनी प्रेजेंट रहना। इसीलिए हम अवेयरनेस के लिए ज़रिए लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं, उनको अवेयर करना चाहते हैं कि काइंडली डोंट पार्क योर व्हीकल्स ऑन रोड साइड। हमेशा हम बताते रहते हैं कि प्लीज़ अपनी गाड़ी को कभी भी रोड साइड पे रॉन्गली पार्क मत कीजिए। इसकी वजह से दूसरों का रास्ता रुक जाता है, दूसरों को चलने में तकलीफ़ हो जाती है, ट्रैफिक जाम लगता है। ऐसा मत कीजिए, बराए मेहरबानी अपनी गाड़ी को रोड साइड पे खड़ा मत कीजिए।